शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि त्रिदेवों ने इस धरा पर अनेकों अवतार लिए हैं, जिनके अवतरण के पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण कारण जरूर रहा है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री विष्णु के ही एक ऐसे अवतार के बारे में, जिससे जुड़ी एक ऐसी कथा प्रचलित है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के श्री राम अवतार के बारे में, जिसके बारे में सब यही जानते हैं कि श्री हरि ने ये अवतार रावण का वध करने के लिए लिया था। मगर सब कुछ ऐसा नहीं है। असल में श्री राम के रूप में त्रेता युग में जन्म लेने के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण नारद मुनि से जुड़ा हुआ है। नारद मुनि के अहम को चकनाचूर करने के लिए उन्होंने श्री राम बनकर त्रेता युग में राजा दशरथ के घर में जन्म लिया था। एक बार की बात है, देवर्षि नारद को घमंड हो गया था कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सके। नारद जी ने यह बात महादेव को बताई। भगवान शंकर को इस बात का अच्छे से ज्ञात हो गया कि देवर्षि नारद को अभिमान हो गया है। उनके अहंकार भरे शब्दों को सुनने के बाद भोलेनाथ ने देवर्षि नारद से कहा कि आप कृपया भगवान श्री हरि के समक्ष अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इतना सुनकर नारद जी वहां से शिव जी की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु के पास चले गए। वो कहां मानने वाले थे, परंतु शिव जी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्री हरि को पूरा प्रसंग सुना दिया, जिससे साफ पता चल रहा था कि नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना घमंड प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके अहंकार को देखते हुए श्री हरि ने सोचा कि इनमें घमंड के लक्षण होना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए इनके अहम को मुझे ही तोड़ना होगा। एक बार जब नारद कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया, जहां किसी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। नारद जी भी वहां पहुंच गए और राजकुमारी को देखते ही उस पर मोहित हो गए। असल में ये सारी भगवान श्री हरि की ही माया थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद मुनि के तप को भंग कर चुका था, इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बना लिया। नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए, जिससे कि राजकुमारी स्वयंवर में मुझे ही अपने पति के रूप में चुन ले। भगवान ने ऐसा ही किया, परंतु जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया, क्योंकि भगवान का रूप मांगते समय नारद मुनि ने कहा था, हे हरि, आप मुझे अपना हरि का रूप दे दीजिए। लेकिन शायद नारद जी भूल गए थे, हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। इस स्वयंवर में दो भगवान शिव के गण भी थे, जो ब्राह्मण का वेश बनाकर यह सब देख रहे थे। जैसे ही राजकुमारी स्वयंवर में आई तो बंदर के मुख वाले नारद जी को देखकर क्रोधित हो गई। उसी समय भगवान श्री विष्णु एक राजा के रूप में वहां आए। सुंदर रूप देखकर राजकुमारी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। यह देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा, पहले अपना मुख दर्पण में देखिए, फिर राजकुमारी से विवाह का सोचना। जब नारद जी ने अपना चेहरा पानी में देखा तो वानर का सामने आया तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। इस पर क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान श्री विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से एक स्त्री के वियोग में आज मैं तड़प रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे, और जिस बंदर का मुख मुझे दिया है उसी बंदर की मदद मांगनी पड़ेगी। और साथ ही उन्होंने शिवगणों को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। उसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु ने अपनी माया हटाई, नारद मुनि को सब ज्ञात हो गया और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी। इस प्रकार भगवान ने नारद मुनि के घमंड को चकनाचूर कर दिया।